जो बेसिक टॉपिक डिस्कस करने हैं दैट इज द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। दो चीजें हैं, कार्डियो मीन रिलेटेड टू हार्ट, वास्कुलर मीन ब्लड वेसल्स। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स मीन ये कौन से डिसऑर्डर्स हैं, द डिजीज दैट आर इन्वॉल्व हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कलेक्टली कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। अब इसमें जितनी भी डिजीजेस होती हैं कार्डियोवास्कुलर की, मीन चाहे वो हार्ट की हों या ब्लड वेसल्स की हों, उनकी सिमिलर कॉजेस हैं, उनका सिमिलर मैकेनिज्म है और उनकी ट्रीटमेंट भी क्या होती है, एक जैसी होती है। मीन इनका हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट भी एक जैसा है, हम इस हमारी बॉडी में जो रीजन बनती है वो भी एक जैसी है और इनको एक ही मेथड से क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। अब जो रिस्क फैक्टर दैट लीड्स कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स इंक्लूड, मीन वो रीजंस जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह बनती हैं या फैक्टर्स में अगर हम देखें, उसमें सबसे पहला है एडवांस्ड एज, मीन बूढ़े हो जाना। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, वो भी क्या होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं। तो उनकी जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेजर रीजन क्या आ जाती है, एडवांस्ड एज है। इसके अलावा डायबिटीज है, मतलब किसी पर्सन को अगर शुगर है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन राइज हो जाती है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन राइज हो जाए तो ये भी क्या करती है, फ्लूइड इम्बैलेंस कर देती है। मीन ब्लड के अंदर जो क्या कहते हैं, वाटर एंड सॉल्ट्स हैं, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है, वो इम्बैलेंस हो जाती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स, मीन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, मीन ऐसे लिपिड्स जिनकी डेंसिटी कम होती है लेकिन उनकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, तो ये रीजन बनती है। इसके साथ क्या है, टोबैको स्मोकिंग, ये भी रीजन है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की। एंड हाई ब्लड प्रेशर, मीन हाइपरटेंशन जिसे आप लोग कहते हैं, दीज आर द मेजर फैक्टर्स विच कॉजेज द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। तो इसके साथ एक जो है वन ऑफ द मेजर जो है दैट इज ओबेसिटी, मोटापा जिसे हम कहते हैं, और मदर ऑफ डिजीजेस, मीन ये जो मोटापा है इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस होके हैं, रीजंस बनती हैं, और वन ऑफ द मेजर जो रीजंस हैं वो कौन सी आ जाती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। एंड लास्ट वन इज द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मीन उसको मौत मीठे चोर, इसका मतलब क्या है कि खा लेना पी लेना सो जाना बैठ जाना, फिर उठ के खा लेना पी लेना फिर सो जाना बैठ जाना, मीन फिजिकल वर्क ना करना। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं वो होती है, कोई स्पोर्ट्स नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जस्ट खा रहे हैं बैठे हैं, तो उस वजह से क्या है, ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो दो चीजें हैं, एक वास्कुलर डिसऑर्डर्स और दूसरा कार्डिक डिसऑर्डर्स, मीन ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर्स हैं और दूसरा हार्ट के डिसऑर्डर्स हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लेते हैं। वो यहाँ पे टू मेजर डिसऑर्डर्स डिस्कस किए गए हैं, वन ऑफ देम इज द आर्थरियोस्क्लेरोसिस। आर्थरियोस्क्लेरोसिस क्या है, इट इज कॉमनली रेफर्ड एज नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, मीन हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं या जो आर्टरीज हैं वो क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। इट इज अ क्रोनिक डिजीज इन विच देयर इज अकोमोलेशन ऑफ फैटी मटीरियल्स, मीन कोलेस्ट्रोल और फैब्रिन्स इन आर्टरीज। अब आप लोगों ने पढ़ा था फाइब्रिनोजन बेसिकली एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, जब वो एक्टिवेट होती है ब्लड क्लॉट बनाती है उसे हम कहते हैं फाइब्रिन। तो ब्लड क्लॉट हो जाए या कोलेस्ट्रोल आ जाए या फैटी मटेरियल्स अकोमोलेट हो जाए हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, स्पेशली आर्टरीज के अंदर, इस डिसऑर्डर्स की वजह से अंदर से जो आर्टरीज हैं वो हो जाती हैं नैरो, ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता, तो इस डिसऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं, आर्थरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। When this condition is severe, arteries can no longer expand and contract properly. आप लोगों ने लास्ट टाइम बेटे पल्स रेट में पढ़ा था कि हमारी जो आर्टरीज हैं उसमें रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब ब्लड पंप किया जाता है एक्सपेंड हो जाती है, जब ब्लड लिया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इस तरह से प्रॉपर सर्कुलेशन चलती रहती है ब्लड की। तो इसमें वो कहता है कि ये चीजें प्रॉपरली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो ब्लड मूव्स थ्रू देम विद डिफिकल्टी, क्योंकि सर्कुलेशन सारी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। एंड इसमें जो मेजर रीजन है आर्थरियोस्क्लेरोसिस की, दैट इज द अकोमोडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मीन कोलेस्ट्रॉल जो है सबसे मेजर रीजन बनता है जो जमा हो जाता है। It results in the formation of multiple deposits which are called plaques within the arteries. Mean a cholesterol jama hua fir uske sath aur aake deposit hoga aur aake deposit sense deposit hota jayega to ultimately wahan pe jaake ye kya banata hai multiple deposits banata hai aur us multiple deposit ko kya naam diya jata hai that is known as plaque।
देखें फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें, ये हमारे क्या कह सकते हैं कि ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरीज हैं, इसका अगर हम इंटरनल क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप लोग और या इस फॉर्म में देखें तो दोनों में आप लोगों को येलोश कलर का ये क्या नजर आ रहा है, प्लाक नजर आ रहा है, जो कि बेसिकली कोलेस्ट्रोल के डिपॉजिट होने की वजह से बना है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं हमारे जो आर्टरीज हैं उसका वे या रास्ता, वो वे जिससे ब्लड ने पास होना है वो क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है। फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है उसे क्या आर्थ्रियोक्लोसिस में अगर देखें, एक तो प्लाक बना, बाजू का जी होता है कि प्लाक कैन फॉर्म ब्लड क्लॉट्स विच इज नोन एज थ्रोम्बस विद इन द आर्टरी, जहां पे प्लाक बना वहां पे आके ब्लड सेल्स मिलकर गुच्छे से क्लॉट से बनाने शुरू हो जाते हैं, और वो जो क्लॉट जो बनता है उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज थ्रोम्बस। इफ थ्रोम्बस डिसलॉज मीन वहां से सेपरेट हो जाए एंड बिकम फ्री फ्लोटिंग, देन इट इज नोन एज एम्बोलस। अगर वहीं पे अटैच है तो हम थ्रोम्बस कह रहे हैं, अगर वहां से रिमूव होकर ब्लड के अंदर फ्लो करना शुरू करते जो कि डेंजरस हो जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एन एम्बोलस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बेटे देख सकते हैं कि या इस फॉर्म में देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड ने क्लॉट बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रेडिश कलर में क्लॉट नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। अब ये थ्रोम्बस है या यहाँ इस एरिया में अटैच भी रह सकते हैं या इस तरह से ये क्या है अलहदा से मूव की करना शुरू कर देता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, एम्बोलस कहेंगे, अगर मूव करना शुरू कर दे। दूसरा जो डिसऑर्डर है उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज आर्टरियोस्क्लेरोसिस। मीन पहला था आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस और सेकेंड वन इज द आर्टरियोस्क्लेरोसिस। Arteriosclerosis is a general term describing any hardening of arteries. Mean arteriosclerosis में हमारी जो arteries हैं वो narrow हो जाती हैं, arteriosclerosis में ये क्या हो जाती हैं, hard हो जाती हैं। इसकी reason क्या है, when there is a calcium deposited in the walls of arteries. अगर हम कैल्शियम इनटेक ज्यादा कर लें तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज क्या हो जाती है, हार्ड। उस वक्त ज्यादा होता है जब आर्थ्रियोक्लेरोसिस सीवियर हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड वेसल, इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनली वो क्या हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाती है, प्रॉपरली एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये हार्ड हो चुकी होती है, तो ये भी ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करती है। हम देखें ओवरऑल जो है इसको एनिमेशन के थ्रू कंसीडर कर लें, ये हमारे पास क्या है, एक आर्टरी ले लेते हैं, ठीक है जी, ब्लड वेसल ले लें, आर्टरी ले लें, इसका हम क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर ल्यूमन देखें, ल्यूमन वो एरिया जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये हमें ल्यूमन नजर आ रहा है, आर्टरीज डिवाइड हो रही है आगे सब ब्रांचेस में चेंज हो रही है। अब इसमें किसी भी एरिया में यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रोल जहाँ पे आकर डिपॉजिट होना शुरू है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट होना शुरू हो गया, तो वहां पे ये क्या है कि कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट होता गया, अल्टीमेटली ये मल्टीपल डिपॉजिट्स बना दी, इस मल्टीपल डिपॉजिट्स को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज प्लाक। अब इस प्लाक की वजह से जो हमारी जो इंटरनल वे है या रास्ता है ब्लड का वो क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है, तो इन दिस वे दे कॉज द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। तो उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायो कहते हैं मसल्स को, कार्डियल मीन कार्डिक मसल्स, इन्फेक्शन कहते हैं टिश्यू डेथ की, और इसे हम अपनी लैंग्वेज में हार्ट अटैक भी कहते हैं। सो द टर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज अ ड्राइव फ्रॉम मायोकार्डियम, मीन मायो मीन मसल्स एंड कार्डियम मीन हार्ट, मीन द हार्ट मसल्स, एंड इन्फेक्शन मीन द टिश्यू डेथ, तो मीन हम कह सकते हैं कि हमारे जो हार्ट मसल्स के जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो जाती है, एंड इट इज मोर कॉमनली नोन एज द हार्ट अटैक। अब इसकी बेटे रीजंस क्या हैं, अगर इसमें होता यह है, इट अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ हार्ट इज इंटरप्टेड। लास्ट टाइम याद होगा कोरोनरी सर्कुलेशन में हमने बात की थी कि कोरोनरी आर्टरीज बेस ऑफ एओर्टा से इमर्ज होती हैं, वो क्या काम करती हैं, ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं टूवर्ड द हार्ट मसल, ब्लड सप्लाई है वो किसी रीजन की वजह से इंटरप्ट हो जाए तो दे कॉजेज द हार्ट अटैक विच लीड्स टू द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स, क्योंकि हार्ट मसल्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही होती, तो इसलिए उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक मे बी कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज कौन सी हैं, वो आर्टरीज हैं जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उनके अंदर क्लॉट आ जाए तो ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई वहां पे हार्ट मसल्स को नहीं मिल पा रही होती। उसमें अगर हम देखें जैसे ये कोरोनरी आर्टरी को बड़ा करके दिखाया गया है, तो यहाँ पे फैटी मटेरियल डिपॉजिट हो चुके हैं,
मीन जो प्लाक की वजह से क्लॉट भी बना सकते हैं, तो इसकी वजह से जो हार्ट मसल्स हैं वहां तक सप्लाई क्या हो जाती है, रुक जाती है या इंटरप्ट हो जाती है। अब इसमें देखें बेटे, हार्ट अटैक के अंदर अगर हम देखें सिम्टम्स क्या होता है, मीन इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एरिया में बेसिकली ब्लड सप्लाई क्या है, रिड्यूस हो चुके हैं। क्यों रिड्यूस हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तो ब्लड क्लॉट बन चुके हैं। ब्लड क्लॉट बनने की वजह से जो ब्लड है वहां पे सर्कुलेट नहीं कर पाता, मीन जहाँ पे बेसिकली प्लाक आया था उसने ब्लड क्लॉट बनाए, तो बेसिकली जो हार्ट मसल्स हैं वहां तक ब्लड सप्लाई क्या है वो इंटरप्ट हुआ, जिसकी वजह से दे कॉजेस द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में अगर हम देखें, इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी एंड लीडिंग द कॉज ऑफ डेथ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम देखते हैं कि बाज़ूकात बैठे हैं, अचानक से बंदे को सुबह मिले, शाम को उसकी डेथ हो जाती है, हम कहते हैं तो अभी तो मैं उसे मिल के आया था, अटक अटा था, माशाल्लाह सेहतमंद था, मेरे से चीखा चे बातें की, तो क्या पता चला जी उसे हार्ट अटैक हुआ और फौरन उसकी डेथ हो गई है। सिवियर चेस्ट पेन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बट इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, प्रेशर और स्क्वीजिंग, मीन ऐसे फील होता है जैसे कोई बहुत सारी हैवी चीज आप लोगों के चेस्ट को क्या कर रही है, प्रेस कर रही होती है। पेन रेडिएट्स मोस्ट ऑफन टू लेफ्ट आर्म, मीन वैसे तो मेजोरिटी चेस्ट में हो रही है लेकिन वहां से ये लेफ्ट आर्म और लोअर जा हो गया, नेक को भी राइट आर्म है और बैक जो है वहां तक ये क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, मीन ट्रांसफर हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मीन बेहोश हो जाना, एंड इवन सडन कैन अकर इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये भी इसके सिम्टम और मेजोरिटी होता भी यही है कि जैसे हार्ट अटैक हुआ तो बंदा को होश में नहीं रहता और अल्टीमेटली ये क्या हो जाती है, अचानक उसे क्या हो जाती है, डेथ होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद बेटे इसकी जो ट्रीटमेंट देखें, इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है फॉर सस्पेक्टेड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मीन जो हार्ट अटैक हुआ लेकिन इतना सिवियर नहीं था कि डेथ हो गई है, तो एक्यूट था मीन हल्का हार्ट अटैक, हालांकि हल्का या क्रोनिक नहीं कह सकते, इसका मतलब यह है कि इतना नहीं हुआ कि डेथ होगी, सर्वाइव कर रहे हैं आप लोग, तो उस वक्त कहते हैं कि इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई करें, ऐसे एस्प्रिन दें और सबलिंगुअल टैबलेट्स दें और ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की, एस्प्रिन जैसे डिस्प्रिन वगैरह है उसके अंदर पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या होता है, खून को पतला कर देती है, तो वो जो ब्लड क्लॉट की वजह से खून नहीं चाह रहा था तो खून पतला हो जाएगा, तो उस नैरो वे से वो पास होना शुरू हो जाता है, या जो कार्डिक पेशेंट होते हैं तो उनके टैबलेट दी जाती है जो भी जब भी उन्हें कभी पेन फील होना शुरू हो या ऐसा चांस होना लगे तो वो कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं जबान के नीचे रख लें, तो वो बेसिकली खून को पतला करके जो सर्कुलेशन है उसको क्या करती है, इंक्रीज करवाती है। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट यही है, लेकिन मोस्ट केसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर ट्रीटेड विद एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का क्या मतलब है, इट इज द मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ नैरोड और टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल्स, मीन हमने मैकेनिकल वे से इसे क्या करना है, ओपन करना है, वाइड करना है, जैसे ये है अपरेटस है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि यूज किया जा सकता है, जैसे आप लोग कहते हैं स्टंट डालना, तो बेसिकली वो स्टंट जो है वो भी हो सकता है, उससे पहले एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है, वैसे मैकेनिकली उसे क्या कर देते हैं, वाइड कर देते हैं। ये किस तरह से होता है, इसको हम इस तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लें हमारे पास हार्ट, इसके अंदर क्रोनी आर्टरी है, तो यहाँ पे ये क्लॉट आया था, तो स्टंट जब डाले जाते हैं तो बेसिकली ये ब्लड वेसल्स को ये क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो वाइड कर देते हैं, इस तरह से सर्कुलेशन क्या है वो चलती रहती है, तो जो सर्कुलेशन बंद हो चुकी थी उसे क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। सो एंजियोप्लास्टी में भी यही होता है कि बेसिकली उसे प्रेशराइज करके अपरेटस के थ्रू बार बार फोर्स करके आर्टरीज को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। एक तो ये ट्रीटमेंट है, दूसरी है दैट इज द बाईपास सर्जरी। बायपास सर्जरी में क्या होता है, इन सर्जरी इन विच आर्टरीज आर वेन्स फ्रॉम एल्सवेयर फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी, मीन किसी भी बॉडी पार्ट से हम स्पेशली फिट से लेते हैं या लेग से लेते हैं और वहां से काट के क्रोनी आर्टरीज की जगह उनको क्या कर देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं, ताकि जो ब्लड सप्लाई है हार्ट मसल्स को वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेग से एक आर्टरी जो थी वो काट के ग्राफ्ट कर देगी किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं, बायपास सर्जरी कहते हैं। या इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, ड्यूरिंग बायपास सर्जरी इसमें क्या करते हैं, हमारे जो स्टर्नम है बेसिकली जो रिब के पाइप जहां पे कनेक्टेड होती है उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, यहां से हमारे लेग से बेसिकली क्या लेते हैं, एक वेन काटी जा आर्टरी काटी जाती है और इसको हार्ट के साथ क्रोनी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान लिंक कर दिया जाता है।
जिससे ब्लड प्रॉपरली क्या कर सकते हैं सर्कुलेट। फॉर एग्जाम्पल ये डिफेक्टेड थी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ये डिफेक्टेड आर्टरी थी, ये ब्लड वैसा नहीं रहती, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, इस आर्टरी को ग्राफ्ट कर दिया जो हमने किसी और ब्लड वैसल से पार से ली थी। तो इस तरह से वो क्या होता है कि इसे क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी, या इसको हम इस तरह से क्लियरली देख सकते हैं फर्दर। जैसे ये हार्ट है, इसमें हमने क्या किया कि कोई ब्लड वेसल ली थी किसी भी बॉडी पार्ट से, तो यहाँ से क्रोनी आर्टरी के थ्रू से ग्राफ्ट कर दिया, और ऊपर से हमने यहाँ से एओर्टा के साथ क्या कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया। तो एओर्टा जो डायरेक्टली इसके थ्रू बाईपास करके क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा टू द हार्ट मसल्स, तो वो आर्टरी जहां पे प्रॉब्लम था वो उसको बाईपास कर है, इस तरह से सर्कुलेशन क्या हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाईपास। ये बेटे आज का टॉपिक था हमारा। सबसे पहले क्वेश्चंस में आए, उसमें हमने कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो क्या है, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। जी लॉन्ग क्वेश्चन देखें बेटे, पहला है व्हाट आर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, what are their causes and types, I write a note on atherosclerosis and arteriosclerosis, किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। तो cardiovascular disorders आ जाएं तो पहले definition आ जाएगी उसकी causes, लेकिन अगर atherosclerosis and arteriosclerosis आता है तो सीधा हम उसकी तरफ जाएंगे। atherosclerosis की सबसे पहले heading देंगे और definition, फिर causes, फिर उसके effects क्या हैं, plaque क्या होता है, thrombus क्या है, embolus क्या है, with heading इनको हमने explain करना है। फिर दूसरी जो है उसे हम क्या कहते हैं, आर्टरियोक्लोरोसिस डेफिनेशन है और यहाँ पे इसकी कॉजेज हैं, तो वही कॉजेज आ जाएंगे। आगे व्हाट डू यू नो अबाउट मायोकार्ड इन्फेक्शन, गिव इट्स कॉजेज एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंटली बोर्ड का पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गए थे पेपर 9th में, वहां पे ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था, राइट ए नोट ऑन मायोकार्ड इन्फेक्शन। तो आपने इसमें सबसे पहले बेटे डेफिनेशन आ जाएगी, इसकी कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, उसमें ट्रीटमेंट में एंजियोप्लास्टी विद हेडिंग उसे हम एक्सप्लेन करेंगे, बाईपास सर्जरी क्या है उसके बाद हेडिंग एक्सप्लेन कर लेंगे। आगे आ जाए एमसीक्यूज में, सबसे पहले है द डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मायोकार्ड इन्फेक्शन। आर्थियोक्लोरसिस इज दैट इज द नैरिंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज। द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज दैट इज द हाई ब्लड प्रेशर। आगे थ्रोम्बस इज कॉल्ड mean क्या है, that is the clot in the arteries, ठीक है, thrombus क्या होता है, that is clot in the arteries, embolus क्या है, अगर क्या कह सकते हैं कि thrombus dislodge हो जाए, blood में freely flow करना शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं, तो हम कहेंगे it is the moving clot in the blood vessels, a condition which is helpful prevention of heart attack, उसमें हमने क्या करना है, avoid much fatty food, normal weight maintain करना है, या control करना है blood pressure को walking के साथ, या ऑल ऑफ द अबव, तो ये आ जाएंगे ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरिंग ऑफ क्या कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स, तो वो कौन सा होता है, दैट इज द आर्थरियोक्लोरोसिस। फिर उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है, जैसे ये आर्थरियोक्लोरोसिस पूछा गया है, नैरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है या हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थरियोक्लोरोसिस, तो वो भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप लोगों के जो बुक के सेकंड जो है क्या कहते हैं कि बुक्स है, बिग लास्ट पेज पर हम दिया होगा एंजाइना पेक्टरस। एंजाइना पेक्टरस मीन चेस्ट पेन, इट इज नॉट सीवियर एज हार्ट अटैक, लेकिन एक अलार्मिंग साइन है कि बंदे के पुत्र बन जाओ, कि मीन फ्यूचर में आप लोग हार्ट अटैक हो सकते हैं, आप लोगों की जो ब्लड सप्लाई है हार्ट मसल्स की वो क्या है, डिस्टर्ब है, लेकिन इतनी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है कि हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन फ्यूचर में अगर चलता रहा तो हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइना फैक्टर्स। इस तरह से आर्थरियोक्लोरोसिस और आर्टरियोक्लोरोसिस बेटे के हैं, डेफिनेशन आ जाएगी, कॉजेस और इफेक्ट्स बता देंगे। इस तरह से थ्रोम्बस एंड एम्बोलस क्या है, डेफिनेशन बताएंगे, मायोकार्ड इन्फेक्शन क्या है वो आपने बताना है, डेफिनेशन आ जाएगी और उसके साथ कॉजेज है वो बता देंगे। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी क्या है, ये भी हम डिस्कस किया है। वास्कुलर सर्जरी क्या है, ये आप लोगों के साइड बॉक्स में होगा। वास्कुलर सर्जरी इज अ फील्ड इन अ सर्जरी इन विच डिजीज ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स आर मैनेज्ड बाय सर्जिकल मेथड। अ वास्कुलर सर्जन ट्रीट डिजीज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट फ्रॉम द हार्ट एंड ब्रेन। हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट करेगा, ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सर्जरी करेगा, इसके अलावा बाकी जिस भी पार्ट्स के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वो कौन करता है, वास्कुलर सर्जन उसकी ट्रीट करते हैं।
आगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, तो ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया, उसके हमने क्या कर देने हैं, कॉजेज बता देने हैं। आगे व्हाट इज साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक क्या है कि एक ऐसा हार्ट अटैक है जिसके सिम्टम्स नहीं होते, बंदा बैठा है और चुप करके लुढ़क गया, पता ही नहीं चलता उसे क्या हुआ है। तो बेसिकली अचानक से हार्ट अटैक होते हैं और इतना सीवियर होता है कि सिम्टम्स शो किए बगैर बंदे की डेथ हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। आगे आप लोगों का लास्ट साइड बॉक्स होगा, हाउ मेनी पीपल आर ओबेस एंड पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। अ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर कॉज़ 12% ऑफ एडल्ट्स इन पाकिस्तान। हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। 12 मिलियन पीपल पाकिस्तान में हाइपरटेंशन है, मींस जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। 10% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटिक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अर्बन एरियाज में रहने वाले जो अडल्ट्स हैं, हर 7 में से 1 बंदा क्या है, मोटा है। तो ये बेटे आज का टॉपिक था।